दोस्तों आज हम आ गए हैं शक्ति ग्रीन के ऑफिशियल शोरूम पे, ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर पे, और आज हम आपको शक्ति ग्रीन रिक्शा का रिव्यू करने वाले हैं। ये कभी काला नहीं पड़ेगा जब तक आपके पास रिक्शा है। पीछे हम स्टील का बम्पर लगाते हैं, तो ये देखो तीनों भाई बड़े बड़े बैठ गए। और ये देखिए यहाँ पे फॉग लाइट आपको हर ई रिक्शे में नहीं मिलता। बस सर्विस लाइफ टाइम फ्री है, सर्विस का कोई पैसा नहीं है। ये हमारे साथ प्रवीण सर हैं और ये शक्ति ग्रीन मैन्युफैक्चरर के ऑनर हैं। ये हमें बताएंगे कि शक्ति ग्रीन जो ई रिक्शा है ये क्यों लेना चाहिए और क्या खास बात है। आप देख रहे हैं ये पूरा शक्ति ग्रीन का मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे इतने सारे बोर्ड लगे हुए हैं। और शक्ति ग्रीन एक नामी कंपनी है। और सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है। ये हमारा शक्ति ग्रीन ब्रांड है, डीलर नहीं है, मैन्युफैक्चरर है। हम शक्ति ग्रीन ई रिक्शा का खुद मैन्युफैक्चरर है, बनाते हैं। इसकी हमारी खेड़े में फैक्ट्री है, खेड़े में चेसी बनती है, यहाँ पर असेंबल होती है। ठीक है सर, सबसे पहली बात तो जो इस ई रिक्शे की कटाई है, आप कटाई देखिए कितनी कटाई है। एक बार में ये गाड़ी किसी भी में मुड़ सकती है, ठीक है ना। जो कस्टमर है, जो ड्राइवर है, वो बैठेगा तो कंफर्टेबल होके बैठ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंफर्टेबल सीट यहाँ पर दे रखी है। देखो सर, इसमें मैं बैठ गया, यहाँ पर एक और बंदा बैठ सकता है और उसको दिक्कत नहीं आएगी चलाने में, वो बिल्कुल थकावट महसूस नहीं करेगा। यहाँ बैठा ले, ई रिक्शा वाले बैठा लेते हैं, लेकिन अलाउड नहीं होता। अलाउड नहीं होता, पर उनको दिक्कत होती है बिठाने में, सही से चला नहीं पाते। हमारे रिक्शे में ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ पर वो बिठा सकते हैं, कम्फर्टेबल होके चला सकते हैं। और यहाँ दोनों साइड आपको सपोर्ट के लिए बच्चे हैं, उसके लिए यहाँ पे हैंडल दे रखा है। सबसे खास बात है इसकी, एक बार में इसकी कटाई मुड़ जाएगी, मतलब बहुत अच्छी कटाई। अगर हम बात करें तो बहुत छोटे रास्ते पे भी कट जाएगी, जो कि बहुत ई रिक्शा में दिल्ली में चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चीज़। हाँ जी, हाँ जी। और क्योंकि भैया बैठे हैं तो हम बताते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ स्पीडोमीटर दे रखा है। हाँ जी, इसमें स्पीडोमीटर दे रखा है। ये बैटरी का है, इसमें बैटरी बताती है कि बैटरी पूरी फुल है। जैसे जैसे डाउन होते रहेगी बैटरी का, वो बता देगा कि डाउन हो गए। बिल्कुल, हाँ जी। ये भी हम स्विच कंपनी का लगाते हैं। स्विच कंपनी का, हाँ जी, ये भी हमारा स्विच कंपनी का ओरिजिनल, ठीक है ना। और चाबी यहाँ पर आपको नॉर्मल चाबी, ये नॉर्मल चाबी मिलेगी। वैसे हम सेंटर लॉक भी लगाते हैं, पर लगाते नहीं है। जो कस्टमर कहता है हम लगा के दे देते हैं, वो लगाने से ना काफी मोटर पे फर्क जाता है। अच्छा, इस वजह से हम सेंटर लॉक नहीं लगाते। सेंटर लॉकिंग अगर कोई लगाता है तो मोटर पे ज्यादा असर पड़ता है, इस वजह से हम नहीं लगाते। अगर कस्टमर कहता है, उसकी चॉइस है, तो हम सेंटर लॉक लगा के दे देंगे। अगर आपको यहाँ पे लगवाना है सेंटर लॉकिंग के लिए चाबी, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें हम वाइपर भी लगाते हैं। आ जाओ, ये वाइपर है, इसमें हम वाइपर भी लगाते हैं। इसमें स्टील की लाइट लगाते हैं। आप और रिक्शे में देखोगे स्टील की लाइट नहीं होती, हम स्टील की लाइट लगाते हैं पूरी। ये यहाँ पे स्टील का पूरा बेस दे रखा है। ये भी स्टील का बॉल लगाते हैं, ये पूरा स्टील का है आगे से। ये पूरा स्टील का बेस दे रखा है आगे से, दोनों साइड में। दोनों सीवाई गोल्ड का शॉकर लगाते हैं जी, कोई नहीं लगाते सीवाई गोल्ड की, ये ओरिजिनल शॉकर। ओरिजिनल शॉकर, और ये स्टेनलेस स्टील है। हाँ जी, हाँ जी, ये स्टेनलेस स्टील है। क्योंकि इससे क्या होता है कि, क्योंकि ये जो एरिया है वहाँ पानी के कॉन्टेक्ट में बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील होना बहुत जरूरी हो जाता है। और देख रहे हैं आपका यहाँ मडगार्ड भी स्टेनलेस स्टील का दे रखा है, और ये भी क्योंकि पानी के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आता है। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ टायर है। टायर कौन सी है? लुमिनेक्स कंपनी के हैं, इसकी 6 मंथ की वारंटी है। 6 मंथ की टायर की वारंटी है। और यहाँ पे आपको सीवाई गोल्ड के, आपने शॉकर बताया है, ये सीवाई गोल्ड के, ठीक है ना। और ये रिम यहाँ पे आपको लोहे का रिम दे रखा है। हाँ, ये लोहे का रिम दे रखा है हमने। यहाँ पे अलॉय व्हील आपको मिल सकता है। अलॉय व्हील अगर कस्टमर डिमांड करता है तो अलॉय व्हील हम लगा के दे देंगे, पर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अगर कस्टमर पे करता है तो अलॉय व्हील हम उसे लगा के, एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं उसके, अलग अलग है मार्केट के हिसाब से, जैसे रेट होते हैं 3,000 3,500 रुपए जैसे भी होगा। मिनिमम रेट है,
आप पीछे आ जाइए, इतना स्पेस आपको किसी ई रिक्शे में नहीं मिलेगा, पीछे चार या पांच बंदे आराम से बैठ सकते हैं, मतलब मिनिमम चार का होता है, मिनिमम चार का होती है, तो इसमें ना आराम से वो बैठ सकते हैं कंफर्टेबल होते हैं। देखिए एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ, और यहाँ देखिए मैं भी बैठ जाता हूँ, कोई हमारा देखो पैर में कोई टच नहीं हो रहा, आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए यहाँ पर। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि पैसेंजर्स बैठते हैं उनको शिकायत होती है कि पैर टकरा रहे हैं, भैया इधर हो जाओ उधर हो जाओ, उनको दिक्कत आती है, पर इस रिक्शे में ऐसा कुछ नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबल होके, आगे ड्राइवर भी आराम से बैठे, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो हम जिंदल का पाइप लगाते हैं 304 का, 304 अच्छा जी, ये कभी काला नहीं पड़ेगा जब तक आपके पास रिक्शा है। अच्छा काला नहीं पड़ेगा, बहुत जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी रिक्शे में होता है काला पड़ जाता है कुछ महीनों बाद काला पड़ जाता है, इसके कारण इसके एक साल की गारंटी, अगर काला पड़ गया कोई दिक्कत आ गई तो उसके लिए हम बैठे हैं। अच्छा हाँ जी, काला पड़ गया अभी तो भी आप, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी, लोग ज्यादातर अगर स्टील का इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ये लगता है काला पड़ जाएगा फिर सफाई में दिक्कत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जिंदल का पाइप है 304 का, काला पड़ेगा तो उसके लिए हम बैठे हैं, इसकी एक साल की वारंटी देते हैं काले पड़ने के। हाँ जी, तो और इसमें लोहा का भी आता है? नहीं नहीं, लोहे का हम मॉडल आता है, इससे बेस मॉडल हो जाता है, यहाँ पर जो स्टील का हमने लगा रखा है उसमें लोहे का आ जाएगा। अच्छा, तो आगे की स्टील की लाइट है ना, जो नीचा मॉडल आएगा बेस, वो लोहे में आ जाएगा सारा। तो इसमें आप एक चीज बताएंगे, आपके हिसाब से लोहा ज्यादा मजबूत रहता है या स्टील, स्टेनलेस स्टील का? अब वो तो कस्टमर की चॉइस है, हमारे हिसाब से तो दोनों मजबूत है, दोनों ही बराबर मजबूत। चलिए बहुत बढ़िया, पैसों का डिफरेंट आता है। कितना डिफरेंस आता है? एसएस का मॉडल 1.45 का है, ये टॉप मॉडल है हमारा, डीलक्स मॉडल है, और नॉर्मल जो लोहे का आता है वो 1.30 का है, 1.30 का आता है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पर कैरियर लगा रखा है हमने कस्टमर के लिए, अगर कोई सवारी है उसका सामान वगैरह है तो ये ऊपर रख सकते हैं, ये लोहे का कैरियर है, काफी बड़ा कैरियर है, इतना बड़ा कैरियर कोई भी नहीं देता। तो और कैरियर रखने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि ये आपका ऊपर छत जो है मजबूत है, मेटल की लोहे की छत है, और अगर कोई रिक्शा ब्रांड आपको यहाँ पे छत दे रहा है, अगर आपको ऊपर कैरियर दे रहा है तो वो अपनी मजबूती का एक तरह से प्रचार कर रहा है कि हाँ भाई मजबूत है, इसलिए यहाँ पे कैरियर लगा रखा है। सर इस छत में कहीं भी आवाज नहीं आएगी, आप इसे देख लो, कहीं आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना, औरों में काफी आवाज आती है जब कस्टमर चलाते हैं, हमारे रिक्शे में ऐसे कोई आवाज वगैरह नहीं आएगी। इस पे ये लड़का चढ़ा हुआ है, इसका कम से कम 65 से 70 किलो वजन है, फिर भी देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक बिल्कुल ठीक है ना? और चढ़ने के बाद भी इसको बिल्कुल कहीं डेंट नहीं पड़ा, कहीं मुड़ा नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, CY गोल्ड की हम मोटर लगाते हैं, ओरिजिनल 1000 वाट की मोटर लगाते हैं, 1000 वाट की मोटर, ये देखिए यहाँ पे इसका मोटर लगा हुआ है, 1000 वाट का मोटर यहाँ पे लगा, CY गोल्ड की है, और CY गोल्ड के मोटर लग, CY गोल्ड का ही हम कंट्रोलर लगाते हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है कि इसमें जैसे कोई सामान वगैरह, अगर वो ड्राइवर है वो अपने लंच बॉक्स वगैरह कुछ भी रख सकता है, और उसे और रिक्शे में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जैक भी इसके साथ, जैक है, फायर सिलेंडर है, ये FM का रिमोट है, ये बैटरी कार्ड हो गए, बैटरी का जो वारंटी कार्ड, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये हम CY गोल्ड का कंट्रोलर लगाते हैं 1000 वाट का, 1000 वाट का, हाँ जी। और ये कंट्रोलर की वारंटी कितनी मिलती है? ये 6 मंथ की होती है इसकी वारंटी, 6 मंथ जलने की वारंटी नहीं देते, और कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो वो हम ठीक करके देंगे। और मोटर की आपने कहा, मोटर की भी 6 मंथ की है, सेम है, सेम वारंटी, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए इसमें सबसे एक चीज मेरे को अच्छी बात लगी कि होता क्या जनरली कि यहाँ पे आपका कंपार्टमेंट दे रखा है, यहाँ पे GPS लगा हुआ है? GPS नहीं, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो लगवाता है या नहीं लगवाता। अच्छा, अगर फाइनेंस हो रहा है तो GPRS कंपलसरी है। अच्छा फाइनेंस, उसके अलग से चार्जेस पे करने होते हैं 2500 रुपए। 2500 रुपए, तो GPS बहुत जरूरी होता है, ई रिक्शा वाले चोरी के बहुत केसेस देखने को मिलते हैं। एक साल की वारंटी होती है, एक साल की वारंटी GPS की मिलती है। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें देखिए DC कन्वर्टर लगाते हैं, स्विच कंपनी का, स्विच कंपनी का, कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी नहीं लगाते ये DC कन्वर्टर, बहुत बढ़िया, इतना बड़ा नॉर्मल लगाते हैं छोटा सा, 700 रुपए का DC कन्वर्टर है, 700 रुपए का DC कन्वर्टर। इसको बंद कर दीजिए, देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि देखिए पहले हमने अपना नॉर्मल पैनल खोला, उसके बाद ही आ गया। इसमें फायदा ये होता है जनरली रिक्शे में क्या होता है कि अलग से खोलना पड़ता है, उसके कारण क्या होता है कि ये आगे वाला पूरा झुक जाता है और टकराने की समस्या आती है। चलिए इसको बंद कर दीजिए, ये देखिए ये दो लाइट, एक यहाँ पर है लाइट है, ये देखो, और एक पीछे है, हम दो लाइट देते हैं कैबिन लाइट यहाँ पे कि अगर रात को क्योंकि अगर कोई रात को आप चला रहे हो पैसेंजर्स को यहाँ पे रोशनी रहती है तो उनको अच्छा लगता है और डर वर नहीं लगता है। 7 पट्टे की कमानी लगाते हैं, 7 पट्टे कमानी लगती है, और 7 पट्टे की हैवी कमानी होती है,
ठीक है ना, पीछे शॉकर लगाते हैं, पीछे भी आपको हर ई रिक्शे में पीछे शॉकर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे पीछे शॉकर मिल रहा है आप देखिए, और सात पट्टे की कमानी है यहाँ पर जी, तो सात पट्टे कमानी भी हम इसकी हैवी लगाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ऊपर कैरियर पे चढ़ने के लिए जीना दे रखा है, ये आपको कहीं नहीं मिलता, ये किसी भी रिक्शे में जीना नहीं मिलता है, और चढ़ने के लिए आपको आगे से जाना पड़ता है जो कि बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ पे आपको स्टेप नहीं मिल रही है, शक्ति ग्रीन ही यहाँ पे पूरा देख रखा है। और सबसे मेन बात है हमारी गाड़ी की जो हाइट है ना वो हमने ऊंची कर रखी है, क्योंकि इसका मकसद ये है जैसे बारिश होती है पानी होता है तो उसमें ना अगर गाड़ी की हाइट थोड़ी नीची रहती है ना तो मोटर में पानी जाता है, तो उससे काफी तकलीफ होती है, मोटर में पानी जाएगा ऑटोमेटिक जल जाएगी, बिल्कुल, तो इस वजह से हमने गाड़ी की हाइट पे ना ग्राउंड क्लियरेंस लेवल कहते हैं वो उन्होंने ऊपर रखा हुआ है, देखिए अच्छा खासा आधे टायर से भी ऊपर इसका ग्राउंड क्लियरेंस लेवल है। पीछे हम स्टील का बंपर लगाते हैं सर, ये देखो ये स्टील का बंपर है, हाँ जी स्टील का बंपर है, प्योर स्टील का बंपर है, ये चीज हमें कहीं नहीं मिलती। इंडिकेटर में हम जाली लगाते हैं तीनों साइड, बिल्कुल ठीक है सर। और इस पर चढ़ सकते हैं आप इस पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, ये देखिए चढ़ गए हैं, तो स्टील लगाने के बाद ही मजबूती में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और ये चीज भी क्योंकि स्टील लगाने का ज्यादा रीजन ये भी है यहाँ पर कि बहुत बार हमने पुरानी रिक्शा में देखा है तो यहाँ पे यही सबसे पहले जो ख़राब होता है वो यही होता है, सबसे पहले जो पीछे का ये जो चीज़ है ये ख़राब हो जाता है और जंग लग जाता है, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का लगा दिया कि जंग लगने का सीन ही खत्म हो जाता है। जो पीछे से सीट खोलने पे है ना, और अब चलते हैं इसकी बैटरी पे, ये देखिए यहाँ पे बैटरी एकदम से खुल जाता है, पूरा खुलता है। अगर कस्टमर कल को बैटरी चेंज कराता है या अपनी नई डलवाता है तो उसको ना खोलने में दिक्कत नहीं होगी, पूरा एकदम से खुल जाएगा, वरना इतना खुलता है हमारे में ना पूरा खुल जाता है। ये लीडर कंपनी की बैटरी, लीडर कंपनी की बैटरी है, अगर आप चाहें तो ईस्टमैन कंपनी की भी लगा सकते हैं, बिल्कुल वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से लगवाता है। आपके हिसाब से कौन सी बैटरी ज्यादा? मेरे हिसाब से दोनों बेटर, कोई कुछ में खासा फर्क नहीं है, बिल्कुल। चलिए तो इसको इसमें वारंटी कितनी देते हैं बैटरी की? एक साल की वारंटी देते दोनों बैटरी की, हाँ जी दोनों की। और एक चार्ज में कितना चल जाता है? एक चार्ज में 90 से 100 किलोमीटर। और चार्जर हम 16 एम्पियर का चार्जर देते हैं, 10 घंटे में फुल चार्ज, 10 घंटे में फुल चार्ज, हम 15 एम्पियर का भी चार्जर नहीं देते, 16 एम्पियर का चार्जर 10 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। ये साइड आ गई दो बैटरी आपने उधर देख ली, दो बैटरी यहाँ पे देख ली, ये लीडर कंपनी यहाँ पे बैटरी लगी है जी। जो इसके मैट है वो गाड़ी के हिसाब से डालते हैं हम, रेड है तो रेड मैट डालते हैं, रेड मैट हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पे देखो, मैट होता है रबड़ का होता है या आपको प्लास्टिक का दे रखा होता है तो दोनों बहुत जल्दी घिस जाता है, यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है ये बिल्कुल बढ़िया ग्रिप वाला है और आपको चलाने बहुत बढ़िया से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये हो जाती है, इसे आप धो भी सकते हो, धो भी सकते हो, कल को गंदा होगा ना इसे आप धो सकते हो। सेकंड बात, हम बैठे हैं ये पैसेंजर हैंडल है, इस पे जैसे कस्टमर बैठा तो अपना पकड़ के बैठ सकता है, आसानी से बैठ सकता है, कंफर्टेबल रहता है। और मैं एक आपको इसमें बता दूं बात, ये हम बैठे हैं एक बार भाई आना आप, इसमें हम आराम से कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे दो इसमें हम कंफर्टेबल होके बैठ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पैर में, देखो कितना स्पेस दिया है, ये देखिए दोनों तीनों भाई बड़े बड़े बैठ गए, और कोई यहाँ पर और बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं बैठे, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबली सारे बैठ गए हैं बिल्कुल। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे आपका मैट लगा हुआ है तो अगर ये बाई चांस कभी साल दो साल में अगर खराब हो जाता है तो इसे दोबारा लगवा लीजिए, क्योंकि अगर ये खराब हो जाता है तो पैसेंजर चढ़ते उतरते हैं और आपका जो लोहा है वो घिसता रहता है और बाद में इसको टूटने का खतरा लगा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके ज्यादा महंगा आता नहीं है, बिल्कुल म्यूजिक सिस्टम हम यहाँ पर देते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर चला रहा है ई रिक्शा, कई होते हैं यहाँ पर लगता है म्यूजिक सिस्टम, पर हम नहीं लगाते क्योंकि अगर यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे वो गाने बजाएगा तो कस्टमर के उस पे जाएगा, कान में फर्क पड़ेगा, तो उसका माइंड इधर उधर होगा तो दिक्कत है, इस वजह से हम यहाँ लगाते हैं, वो अपने हिसाब से बजाए और अपने हिसाब से करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम यहाँ पर नहीं लगाते, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखिए हैंड ब्रेक दे रखा है, हाँ जी, और हैंड ब्रेक मजबूत है बढ़िया, और यहाँ पे फायर सिलेंडर दे रखा है, और आजकल फायर सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, फायर सिलेंडर ना लगाने के तो चलान भी चलान है, बिल्कुल। यहाँ ना हम फॉग लाइट लगाते हैं,
ये काफी अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे फॉग लाइट आपको हर ई रिक्शे में नहीं मिलता, क्योंकि एक्चुअली ठंड का टाइम है, कोहरा काफी होता है, धुंध काफी होती है, तो इससे ना काफी आसानी होती है कस्टमर को चलाने में, फॉग में चलाने के वजह से। और फॉग लाइट आप देख रहे हैं जिस जगह पे लगा है, बहुत बढ़िया जगह है। कोहरे में चलाना है, सर्दियों में चलाना है तो आपको अलग से लगवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लगा के दिया जा रहा है, जो की बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये हम जो शीशा भी लगाते हैं फुल साइज का लगाते हैं, ये शीशा फुल साइज का है, इसमें जैसे कभी बारिश हो गई, आंधी तूफान, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उससे दिक्कत नहीं आती। हम हाफ साइज का शीशा नहीं लगाते, उसमें काफी परेशानी। आप देख रहे हैं ध्यान से, तो ये साइज बहुत बड़ा है, और बिल्कुल एंड तक आ रहा है, तो आपका आपको आपके सारे जो अंदर के जो चीजें ये प्रोटेक्ट रहेगी, प्लस आपको भी बारिश से तूफान से कोई खतरा नहीं रहेगा। इस गाड़ी की मैं आपको मजबूती दिखाता हूँ, इसमें बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, हम इसकी मजबूती दिखाते हैं, गाड़ी की कितनी मजबूती होती है। कोई भी गाड़ी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो हम इसमें मजबूती देते हैं। आप ये देखो कैसे हम मजबूती लगाते हैं, ये देखिए, बस जिस तरह सर ने अभी किया है, ये आपको कोई कंपनी नहीं करके दिखाएगी, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट पे पता है कि वो कितनी जल्दी कमजोर है। ये इतना करने के घोड़े की तरह बिल्कुल उछल रहा था, इस तरह को ई रिक्शा उछल रहा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। पार्ट टूट जा कहीं नहीं गया। ये देखिए सॉकेट सिवाय गोल्ड का लगाते हैं, आप कुछ भी चीज देख लो, मीटर देख लो, कुछ भी नहीं लो, शीशा देख लो, फॉग लाइट देख लो, एक्सपेंड एक चीज भी अपनी जगह से नहीं लिए, सारी चीजें अपनी जगह पर है। और शीशा ही लगा हुआ उसके बाद ही उछाला गया, और बिल्कुल इसके अंदर एक खास बात मैं और बताऊं, इसके अंदर बैटरी है, बैटरी भी सब कुछ, इसमें एक भी चीज एक्स्ट्रा निकाली नहीं गई, सब कुछ। कस्टमर इससे ज्यादा खड्डे में या कहीं कुछ भी नहीं चलाएगा ना, इससे ज्यादा तो कहीं कुछ भी चलाएगा ना, उसके रिक्शे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, इतना उछाल लिए, इससे ज्यादा कोई, इससे ज्यादा खड्डे नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मजबूती के मामले में, शॉकर के मामले में, मैं आपको 1.5 साल की गारंटी है चेसी की, अगर कल को दिक्कत आती है खुदा ना खास्ता, वैसे तो दिक्कत आज तक हमारे चेसी में आई नहीं है, अगर आती है तो हम चेंज करा, ठीक है ना। 1.5 साल की गारंटी है, 1 साल की नहीं देते हम, 1.5 साल की गारंटी देते हैं चेसी की, बैटरी 1 साल, चार्जर की भी हम 1 साल की गारंटी देते हैं, 16 एम्पियर का चार्जर देते हैं, 10 घंटे में चार्ज करके दे देगी आपको, सर्विस लाइफ टाइम फ्री है, सर्विस का कोई पैसा नहीं है, लेबर चार्जेस कोई नहीं है, अगर कल को उसमें सामान डलता है छोटा मोटा उसका पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज कोई पैसा नहीं है सर्विस का, जब तक आपके पास गाड़ी है, जब तक आपने गाड़ी आप पे ले रखी है तब तक आप पे सर्विस बिल्कुल फ्री, एक रुपया नहीं लगने देंगे आपको सर्विस के लिए। हमारा ऑल इंडिया माल जाता है, दिल्ली में भी है, दिल्ली से बाहर भी है, अगर आपको डीलरशिप के लिए कॉन्टैक्ट करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी दिल्ली में है, ठीक है ना, वीडियो के नीचे आए हुए नंबर पे आप कॉल कर लें, ठीक है ना, उसमें हम आपको अपना नंबर दे देंगे, ऑल ऑफ इंडिया कहीं भी आप डीलरशिप के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली से बाहर भी, अगर पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको रिक्शा लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं, अगर डीलरशिप के लिए कॉल करना है तो वो भी आप कॉल कर सकते हैं, के नंबर आपको वीडियो के नीचे दे रखे हैं, सकते हैं दिल्ली में, दिल्ली से बाहर कहीं, ठीक है ना। तो सर सारी बातें हमने कर ली, आप बताइए इस पूरे ई रिक्शा का प्राइस कितना है? इस पूरे ई रिक्शा का प्राइस है 1,45,000। 1,45,000, हाँ जी। और इसमें आप डबल सिंगल बैटरी वाला भी आता है? नहीं, हम सिंगल बैटरी वाला नहीं बनाते, सिंगल बैटरी वाला भी बहुत ही कम ई रिक्शा कंपनी बना रही है, क्योंकि इसका सिंगल बैटरी में प्रॉब्लम भी। मैं आपको 4 बैटरी की खासियत बताता हूँ, इसकी 1 साल की वारंटी है, ठीक है, ये बैटरी मिनिमम 30,000 की, 25,000 की अलग अलग रेट है, अगर कल को ये बैटरी आप स्क्रैप में बेचोगे इसकी 10,000 रुपये की वैल्यू। अच्छा, बेचने के बाद स्क्रैप में? बेचने के बाद ये अगर कोई भी ले लेगा 10,000 रुपये का, आप हमें दे दो, हम भी 10,000 रुपये इसके काट लेते हैं, नई बैटरी डाल देते हैं, जो अलग से कॉस्ट आती है। लिथियम बैटरी 80-90,000 रुपये की है, ठीक है ना, काफ़ी महंगी बैटरी है, अगर 3 साल आपने ये बैटरी डलवाई 60,000 रुपये हो गए आपको, 30,000 की मैंने बैटरी बताई, 10,000 रुपये स्क्रैप के आ गए, 30,000 रुपये हो गए, बात वहीं पड़नी है। हाँ, बात बिल्कुल वहीं पड़नी है। हाँ, ये तो बिल्कुल आप बात सही की है, इसकी बैटरी की सर्विस एंड टू एंड है, अगर बैटरी में कोई दिक्कत आती है आप कंप्लेंट करें, इंजीनियर आएगा चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद अगर खराब है बैटरी रिपोर्ट बना के जाएगा, रिपोर्ट बना के जाएगा और वो बैटरी चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बात समझ में आएगी कि ई रिक्शा के मामले में अगर बात करें तो शक्ति ग्रीन का ई रिक्शा बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पर आइए। सर पता है क्या होता है, ये गरीब आदमी होते हैं कस्टमर, 2 पैसे जोड़ के काफी मेहनत से कमाते हैं, अगर इनका ठीक जगह पैसा लग जाए और बढ़िया चीज मिल जाए तो काफी खुशी की बात है,
अपने अच्छे से कमाएंगे, घर चलाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्योंकि काफी उनके लिए तो कॉस्टली है, काफी महंगी चीज ले रहे हैं। फाइनेंस की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, फाइनेंस भी है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। सब्सिडी भी आपको, सब्सिडी 30,000 रुपए है, गवर्नमेंट द्वारा है 30,000 रुपए। आप खुद ही अप्लाई करके देते हैं? हाँ जी, हम मैन्युफैक्चरर हैं, खुद ही अप्लाई कर देते हैं, देनी आगे गवर्नमेंट को है। हम यहाँ से सारी चीज कस्टमर की ओके करके देते हैं, ठीक है ना। कस्टमर के कागज पूरे होते हैं, पूरे होने चाहिए बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर आपको ये रिक्शा पसंद आया तो यहाँ आप वीडियो के नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके ये रिक्शा लेने आ सकते हैं। डीलरशिप के लिए कॉल चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।